बीजेपी के वोट को काटने के लिए इसने उम्मीदवार खड़ा किया। जो लोग वीआईपी पार्टी को वोट देंगे इसका मतलब कि लालू यादव को वोट दे रहे हैं। इसलिए नीतीश जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मत कीजिए, पैसे की बंदर बांट मत कीजिए। अति पिछड़ा समाज का कब्जा था या लोग जीत रहे थे तो आपने उनको वंचित करके गैर अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कानू समाज से आने वाले अति पिछड़ा समाज के केदार गुप्ता को टिकट दिया है, हमने अति पिछड़े का सम्मान किया है। तीसरी बात, ये जो मुकेश सहनी है ये लालू और नीतीश के इशारे पर बीजेपी के वोट को काटने के लिए इसने उम्मीदवार खड़ा किया है। ये तो सहनी की पार्टी है, इस इलाके में सहनी की अच्छी संख्या है, तो उसका उम्मीदवार तो सहनी होना चाहिए था। तो हम इसे जानना चाहते हैं अपने सहनी उम्मीदवार देने के बजाय और आपने दूसरे वर्ग के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया। तो उसका एकमात्र कारण है कि बीजेपी हार जाए, बीजेपी के वोट का बंटवारा हो जाए। लेकिन जो समाज है बहुत जागरूक समाज है, बीजेपी के वोट में कोई बंटवारा नहीं होगा। और इसलिए जो लोग वीआईपी पार्टी को वोट देंगे इसका मतलब कि लालू यादव को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब है वो जदयू को वोट दे रहे हैं। इससे लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, चूँकि सरकार नीतीश कुमार की है, उनके उम्मीदवार हैं, तो पूरी सरकारी मशीनरी को इस चुनाव में झोंक दिया गया है। और मुझे खबर मिल रही है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बना रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं, डीलरों पर दबाव डाल रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में वोट दिलवाइए। तो इसलिए मैं नीतीश जी को चेतावनी देना चाहूँगा और हम बहुत बहुत जल्द सबूत इकट्ठा किया हम लोगों ने, हम चुनाव आयोग के सामने सारे सबूतों को ले जाएंगे कि कैसे सरकारी अधिकारी थाने के लोग ये लोग दबाव बना रहे हैं लोगों पर महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए। फिर एक सिंडिकेट चलता है यहाँ पर और मैं स्पष्ट नाम लेकर बोलना चाहूँगा, दिनेश सिंह जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, जिनके यहाँ इनकम टैक्स का जो हवाई अड्डे पर 25 लाख रुपया जिनका अवैध तरीके से पकड़ा गया, इनकम टैक्स ने पकड़ा उनके पैसे को, अफराद पैसा दो नंबर का उनका पैसा है, ये मुकेश कुशवाहा ये लोग मिलकर एक सिंडिकेट चलाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर शराब का अवैध व्यापार हो, ठेकेदारी हो, सब तरह के अवैध व्यापार में ये लोग संलग्न रहते हैं। तो ये मनोज कुशवाहा उसी सिंडिकेट का हिस्सा है। अब मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि दिनेश सिंह जो हैं ये पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव बना रहे हैं और अंतिम रात में पैसे का बड़े पैमाने पर खेल होने वाला है। इनकी पूरी तैयारी है, एक करोड़ रुपया बांट कर जनप्रतिनिधियों को उनके वोट को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद केदार गुप्ता प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। 2015 में जब केदार गुप्ता अकेले चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से, नीतीश जी और राजद एक साथ थे, नीतीश और लालू एक साथ थे, तो 12,000 वोटों से हम चुनाव जीते थे। तो जब बिहार में गठबंधन की लहर थी उस समय केदार गुप्ता ने महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज को 12,000 वोटों से हराने का काम किया था। आज फिर मनोज महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और केदार गुप्ता आज बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो पहले की तुलना में बीजेपी और बहुत ताकतवर है, नीतीश जी तो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। इनका जो अति पिछड़ा जो अन्य वोट है वो पूरी तरह से खिसक कर बीजेपी के साथ आ चुका है। इसलिए नीतीश जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मत कीजिए, चुनाव जीतने के लिए हथकंडा मत अपनाइए, पैसे की बंदर बांट मत कीजिए। और दिनेश सिंह को भी मैं कहूँगा कि सावधान रहे वो, कि अभी तो 25 लाख रुपया उनका इनकम टैक्स वालों ने पकड़ा है पटना एयरपोर्ट पर। तो इसलिए इस तरह के सारे लोगों को हम सावधान और उनको चेतावनी देना चाहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बनने से वंचित कर दिया, पहले जिद बांधे रहे कि आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कहते रहे कि आयोग बनाइए, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाना है, इन्होंने नहीं बनाया, अंत में इनको झुकना पड़ा, अंत में इनकी फजीहत हुई और कोर्ट के सामने इनको यह कहना पड़ा कि हम अपने आदेश को वापस लेते हैं और हम कमीशन बनाएंगे।